टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच रविवार में टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में एक तरफा श्रीलंका को पानी पिला दिया। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पहले भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की जमकर खबर ली और 262 रनों पर ही रोक लिया। इसके बाद पृथ्वी शॉ, डेब्यू स्टार ईशान किशन के बाद कप्तान शिखर धवन ने मेजबान टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने यह मैच 36.4 ओवर में ही अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उसने सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली। वही धवन इस पारी के दौरान एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज भी बने। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को पृथ्वी शॉ ने तूफानी शुरुआत भी दिलाई। पृथ्वी ने दुश्मन चमीरा के पहले ओवर में लगातार 2 चौके से खाता खोलने के बाद इसरू उड़ाना पर भी चौके दे मारे। वही धवन ने भी चमीरा पर चौके से खाता खोला, जबकि पृथ्वी शॉ ने 4थे ओवर में इसरू को लगातार 3 चौके जड़े। वही भारत ने 5 ओवर में बिना विकेट खोए 57 रन बनाए, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में इतने ओवर के बाद उसका सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में बिना विकेट खोए 53 रन बनाए थे। वही पृथ्वी हालांकि 6थे ओवर में धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर लॉगन पर फर्नांडो को कैच दे बैठे। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके मारे थे। वही ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर 2 गेंदों पर 2 छक्के और चौका जड़ा और फिर डी सिल्वा के अगले ही ओवर में लगातार 3 चौके मारे। वही भारत ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 91 रन बनाए थे। वही ईशान ने 13वें ओवर में चरिता असलंका पर चौके के साथ टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। वहां हालांकि इसी ओवर में भाग्यशाली रहे, जब इस स्पिनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और गेंद लॉगन पर बाउंड्री पर खड़े चमीरा के हाथों से टकराकर 6 रन के लिए चली गई। ईशान ने असलंका की गेंद पर लगातार 2 चौके के साथ सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वो हालांकि लक्षण की गेंद पर विकेटकीपर भानुका को कैच देकर पवेलियन लौटा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्के भी मारे। वहीं आपको बता दें कि असलंका के अगले ओवर में धवन को मैदानी अंपायर रामसेना ने पगबाधा आउट दिया, लेकिन DRS लेने पर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। वहीं धवन ने करुण रत्ना पर लगातार 2 चौके और असरंगा की गेंद पर 1 रन के साथ अपने कप्तान के रूप में पहले ही मैच में 61 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। वहीं पांडे ने भी सदाकर की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर तेवर दिखाए। वहीं भारत के रनों का दोहरा शतक 28वें ओवर में भी पूरा हो गया। वहीं भारत को अंतिम 20 ओवर में जीत के लिए 53 रनों की दरकरार थी। वहीं डी सिल्वा ने पांडे को सनाका के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन धवन ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। वहीं इससे पहले दीपक चहर के अलावा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी ने उमदा प्रदर्शन से बाद में श्रीलंका को 9 विकेट पर 262 रन के स्कोर पर रोक दिया। चहल ने 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और चहल ने भी 2-2 विकेट चटकाए। वहीं कुणाल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया। वहीं आपको बता दें कि भारत के सटीक गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पिछले 6 बल्लेबाजों के दोहरे अंक तक पहुंचने के बावजूद कोई अर्धशतक नहीं बना। वहीं 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे चमीका करुणरत्ने बाद 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे।